This is the bungalow where we are staying. हे फक्त 90 दिवस प्लांटला सपोर्ट करतं. नजारा देखिए व्यूज का. और हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं. सो ये एक छोटा सा विला है जो हमने बुक किया है. नाइस नाइस. हेलो. नहीं नहीं ठीक है बड़ा ही सवय है माला. हेलो शिल्पा. हाय विस्की. आमच्याकडे पण एक विस्की आहे. अच्छा कम या कम या कम या. हाय विस्की. बेबी. हाय बेबी. दिस इज द बंगलो वेअर वी आर स्टेइंग. जहाँ पे हम रुके हैं ना यहाँ पे ये रोज़ का बगीचा है. फार्मिंग करते हैं रोज़ फार्मिंग. आप देख सकते हो कुछ काम चल रहा है यहाँ पे. इसको हार्वेस्टिंग करने का है आपको. तो इसको हम लोग यहाँ से नीचे से दो पत्ता छोड़ के काटते. अच्छा. जब ये काटेंगे तो यहाँ से आपको वापस 45 दिन या 50 दिन वो डिपेंड रहता है क्लाइमेट के ऊपर. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो 45 डेज में आता है. अगर वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा फिर आने में. ये स्टेज में मार्केट में जाता है. ये स्टेज जाएगा ये. अच्छा ओके. बस ऊपर से उसके लिए उसका पिन होला ऐसा छेद पड़ गया ये. इसको भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जब मार्केटिंग के लिए बेचना होगा. पर ये ज़्यादा हम लोग ये ब्लूम क्यों कर रहे हैं. इसको हम लोग बड़वुड में देते हैं मतलब पौधा बनने के लिए. पौधा बनने के लिए आप उसको यूज करोगे. हार्ड कर रहे हैं थोड़ा. अच्छा. इसके लिए उसको ज्यादा हम लोग तो इससे और भी पौधे बनेंगे. हाँ अभी यहाँ से ये डंडी काटेंगे ना. हाँ. एक डंडी से 1 2 3 4 5 6 7 पौधा बनेगा. हे जे याला आपण बेंडिंग म्हणतो तर याचं रिझन काय असतं. तुम्ही ही फ्लावरिंग मध्ये हार्वेस्टिंग केलं तरी हे त्याला कायमचं फूड सप्लिमेंट साठी सपोर्ट करणार. हेच जर वर ही पण फुलच होते ऍक्च्युली. पण आपण आता समजा हे फूल हे झाडासाठी का देतोय. ज्यावेळेस मी या झाडावरच्या ह्या फांद्या कापून घेईन ही फांदी त्याला न्यूट्रिशन पोहोचवण्याचं काम कंटिन्युटी मध्ये ठेवलं. सगळं जर कापलं मी तर नेक्स्ट सायकल साठी प्लांट जागणार कसं मग. मग ही बेंडिंगची प्रोसिजर असते. अच्छा म्हणून हे काही इथे फांद्या तुम्ही खाली बेंड केलेले आहेत. म्हणजे त्याला आपण फॉलीज म्हणतो आमच्या भाषेमध्ये किंवा लिपिरिया. म्हणजे लिपिरिया मेंटेन करूनच हार्वेस्टिंग केली पाहिजे. मग ते झाडाला समजा आता हे पण कापलं हे ऍक्च्युली हे झालंय ना हे फक्त 90 दिवस प्लांटला सपोर्ट करतं. 90 डेज के बाद इसका क्या होता है फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता खत्म हो जाती है. ये नेक्स्ट की देते हम लोग नया. अभी एक बार देंगे तो दो साइकिल आते हैं इसमें उसके बाद फिर नया. तो अभी देखो वही हर किसी पौधे के पास एक नया पत्ता हम लोग दे रहे हैं ऐसा है उसका. नाव क्या तुमसे. सोमनाथ चोरगे. सोमनाथ चोरगे. माझे ऍक्च्युअली असली 12-13 एकरची फार्म. धन्यवाद ही माहिती दिल्याबद्दल. आर बाइक्स आर गेटिंग गुड मॉर्निंग बाथ. माय बेबी इज हियर. गुड मॉर्निंग. हम सब निकल रहे हैं. अभी हमारी गाड़ी सब हो गई है. सैडल अप हो चुके हैं ऑल द बाइक्स एंड वी आर लीविंग नाउ. गणपति बप्पा मोरिय. मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं. यहाँ से लोनावला होते हुए घाट उतर के खोपोली से एरोली होकर हमारे घर पहुँच जाएंगे. लोनावला ट्रैफिक यार ये वीकेंड पे हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक होता है. बट लोनावला बहुत गर्म है. हम लोग खंडाला घाट क्लाइम डाउन कर रहे हैं और वो ड्यूक्स नोज है वन ऑफ माई फेवरेट पिनाकल.
Adya, my daughter, has climbed that pinnacle with her team. This is an awesome place. हाँ, यहाँ जाकर थोड़ा सुकून मिला है क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम था. अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे फॉर वाटर. यस यस यस, वी वांट पानी. हाय संधू, हाउ वाज इट? नाइस. वाटर ब्रेक डन. दिस इज माय बग्गू is standing here. Hi Bagu. And my Mowgli is here. Hi Mowgli. हाँ, यहाँ से नज़ारा देखिए ड्यूक्स पॉइंट का, क्या ऑसम है. आपको पता है वहाँ से ऊपर से क्या मज़ेदार व्यू आता है वहाँ का. ड्यूक्स पॉइंट बोलते हैं इसे. अगर आप इस माउंटेन रेंज को ना हॉरिजॉन्टल देखोगे ऐसे टेढ़ा होके, तो ये जो पोर्शन है पॉइंटेड वो आपको नोज की तरह दिखेगा. इसके लिए उसे ड्यूक्स नोज बोलते हैं. और ड्यूक्स इसके लिए क्योंकि ड्यूक्स करके जो बंदा था उसने ये पिनाकल को फाइंड आउट किया था. दैट्स व्हाई. अब हिस्ट्री के चेक ऑन गूगल, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गिविंग यू 100% राइट इन्फॉर्मेशन. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया. कितनी हसीन है ये दुनिया. दिन दिन तारा रंत दिन तारा तारा दिन तारा तारा दिन तारा दही. फर्स्ट टाइम उतारा मैंने ये घाट बाय द वे, क्योंकि इसके पहले जब लोनावला आए थे तो हम लोगों ने एक जो कट होता है वहाँ से एक्सप्रेस हाईवे लिया था और वहाँ से के अपना ये क्या बोलते हैं भुयारी मार्ग है ना, भुयारी मार्ग क्या बोलते हैं, शेड, आई फॉरगॉट. हाँ, टनल. टनल से होके खोपोली के यहाँ पर एग्जिट ले लिया था. बट अभी ये फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग डाउन दिस घाट. मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ रहा है गाड़ी को, बट मैं स्लो ही चला रही हूँ वैसे भी. ओके, नाइस. दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियोस. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल मोबिटेल्स. ओके, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेके मैं आपके सामने हाजिर रहूँगी हर बार. So shower some love guys. Bye bye. What the f***? Turning pe kaun overtake karta hai? Overconfidence hota hai ye.